तो गाइस एक बार फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूँ वीकेंड एपिसोड में, जहां पर आप सभी के लिए लेके आता हूँ टॉप 5 पावरफुल एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। और आज के इस वीडियो में लेटेस्ट ऐप के साथ साथ यूनिक भी है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। तो बैकग्राउंड देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज भी अपने स्टूडियो में नहीं शूट कर रहा हूं, दरअसल कुछ लाइट वाइट की प्रॉब्लम हो रही, खराबी चल रही। खैर, शुरुआत करते हैं पहले एंड्रॉइड एप्लीकेशन से, जिसका नाम है लोसिट पिक्स। बेसिकली ये एक 3D फोटो एडिटर ऐप है। इसकी मदद, जैसे कि आपने देखा होगा कि फेसबुक पर काफी सारे लोग 3D में फोटो को पब्लिश करते हैं, जब आप अपने फोन को थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं कुछ इस तरह से, तो जो वो 3D फोटो है कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है। तो इस ऐप की मदद से आप कुछ इस तरह से फोटो बना सकते हैं। हाँ, इस ऐप के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था काफी पहले, लेकिन इस बार कंपनी ने स्पॉन्सर्ड कर दिया ये ऐप। लेकिन यहाँ पर कुछ पर इन्होंने काफी सारे नए 3D इफेक्ट फिल्टर्स या आप फ्रेम कह सकते हैं, वो यहाँ पर इन्होंने ऐड किए, और फिर 3D जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इन्होंने काफी अच्छे से किया है। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको किसी भी फोटो को अपने सिलेक्ट कर लेना, या आप चाहें डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको काफी सारे फ्रेम मिल जाएंगे, कुछ प्रीमियम है कुछ फ्री है। इसके अलावा आपका जो फोटो में बैकग्राउंड है आप चाहें उसको 3D में बनाना, तो लाइक कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और आप चाहें से डायरेक्टली फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने फोन में सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये फोटोज आप फेसबुक पर ही पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि अपलोड कर सकते हैं, बाकी आपके फोन में 3D में नहीं हिलेगा। इसके लिए आप इस ऐप से डायरेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर, या फिर आप चाहे अपने डेस्कटॉप मोड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप की बात करें तो वो है गाइस उन लोगों के लिए जो लोग मेरी तरह याददाश्त जिनकी कमजोर है, मेमोरीगी नाम है, ऐसा ही है। ये बेसिकली एक टू डू ऐप है जो यहाँ पर आप अपने नोट्स को ऐड करके रख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जिनको ढेर सारे दिन में काम होते हैं और आप बार बार भूल जाते हैं कि आपको ये काम करना था, आपने टाइम से वो नहीं कर पाया, तो इस ऐप की मदद से आप अपने वो सभी काम, यानी कि जो भी टास्क है दिन में, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। किसी को आपको बर्थडे विश करना है या किसी से पेमेंट आनी है, इसके अलावा आपको कहीं जाना है, या फिर ऐसी कोई भी चीज यहां पर नोट करके रख सकते हैं जो आपके नोटिफिकेशन पैनल में शो करेगा। इसके अलावा आप चाहते रिमाइंडर, तो आप किसी भी नोट में जो भी आपने ऐड किया वहां पर आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, 15 मिनट पहले या फिर किसी भी टाइम का आप अपने हिसाब से रिमाइंडर कस्टमाइज कर सकते हैं। और आप जो भी टास्क जो आपका काम है वो आप फिनिश कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से डन करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप जो अपना टास्क करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आप इसको डन करके रिमूव करते रहेंगे। यहाँ पर कुछ प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप पिन कर सकते हैं जो आपके होम स्क्रीन पर ही रहेंगे। तो ये ऐप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है अगर आप बहुत सारे काम करते हैं और उनमें से एक आध काम भूल जाते हैं करना, और घर पर आपकी पिटाई या फिर डांट भी लग जाती है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड एप्लीकेशन है, ये आप लोगों की डिमांड पर ही है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि WhatsApp DP में हम अपने फुल साइज़ के फ़ोटो को कैसे लगाएं। वैसे तो काफ़ी सारे ऐप आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये ऐप जब मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा तो ये मेरा फेवरेट हो गया। पता है क्यों? इस ऐप का नाम है स्क्योर फोटो एडिटर ऐप। इस ऐप की मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में अपने फुल साइज़ के फ़ोटो को DP में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और जो कलर को कस्टमाइज़ करना अपने हिसाब से वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ये तो आप एक क्लिक में अपने किसी भी फुल साइज़ के फ़ोटो को DP में, मतलब DP की तरह फाइल बना सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो मुझे यहाँ पर लगे इफेक्ट। यहाँ पर आपको इफेक्ट मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, किसी भी एक फ़ोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक कि ना आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको कवर कर लेगा, यानी कि एक तरह से स्टिकर बना देगा और बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे काफ़ी सारे फिल्टर आपको मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से आप फिल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से भी फिल्टर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव तो हो ही जाता है, कुछ देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें खुद का बैकग्राउंड भी अपने गैलरी से उठाकर लगा सकते हैं, और आप डबल रोल चाहें बनाना वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है वो यही है कि आप एक ही क्लिक में अपने इन फोटो में जान डाल सकते हैं, और आप अपने DP पर लगाकर लोगों को अपना DP का कमाल दिखा सकते हैं। तो इस ऐप को आप जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों अब बारी है नेक्स्ट एप्लीकेशन की, लेकिन इससे पहले आप सभी को एक चीज याद दिला दूं जो शायद आप करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना मन हो तो, बाकी शेयर तो कर ही देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। जो नेक्स्ट ऐप है उसका नाम है, क्या नाम है, नोबी फ्री। नाम पर मत जाइए, इस ऐप के काम पर जाइए, जो काम काफी अच्छा है। बेसिकली ये ऐप जो है ना वॉल्यूम कंट्रोलर है,
इस ऐप की मदद से आप अपने वॉल्यूम का कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन भैया यहाँ पर कुछ क्लासिक टाइप का मिलता है, जो पुराने जमानों में आपको मिलता था ना रेडियो में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, या फिर डेग आती थी कुछ इस तरह का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आप जैसे ही इसको सेटअप कर देंगे, यहाँ पर आपको जेस्टर मिलता है, वो आप चाहे कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने राइट में लगाया और कुछ इस तरह से कस्टमाइज कर दिया जो थोड़ा सा कम दिखे। बस सिंपली उसके बाद आप कुछ इस तरह से करेंगे स्वाइप राइट, और आपका ये जो बटन घुमाने वाला या फिर जो भी आप कह सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोलर, इसको आप कुछ इस तरह से घुमाकर वॉल्यूम को कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहे वो आपका म्यूजिक का वॉल्यूम हो या फिर कॉल वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, जितने भी आपके फोन में वॉल्यूम है उन सभी वॉल्यूम को कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ इस स्टाइल में। और बाकी इस ऐप में आपको काफी सारे विजेट मिल जाते हैं अलग अलग स्टाइल में, लाइक कुछ इस तरह से यहाँ पर ये वाला भी मिल जाता है, ये वाला मुझे काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन बाकी यहाँ पर जितने भी मिलते हैं वो सभी प्रीमियम है, लेकिन फ्री में भी जो आपको मिलता है वो काफी मजेदार है। इस ऐप को आप ट्राई करेंगे बाकी में आपको मजा जरूर आने वाला है। दोस्तों अब बारी आती है लास्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है टाइप वाइस। बेसिकली ये ना एक कीबोर्ड है, लेकिन ये बाकी कीबोर्ड से अलग है। इसको हम नेक्स्ट जनरेशन लेवल का कीबोर्ड कह सकते हैं, जो बाकी के मुकाबले आप तेजी से टाइपिंग कर सकते हैं अगर आपने इसको यूज करना सीख लिया। हो सकता है आप इसको जब यूज करें तो आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप दोनों हाथ से टाइपिंग करते हैं तभी ये ऐप आपके लिए यूजफुल होगा। यहाँ पर आपको जो दो बटन मिलते हैं कीबोर्ड में, ये आपके थंब के लिए, दोनों हाथ से कुछ इस तरह से आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं दोनों ही बटन से, और आप जो भी लिख रहे हैं उसको डिलीट करना है तो आप किसी भी थंब से स्वाइप राइट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, और राइट में करेंगे जब स्वाइप राइट करेंगे तो जो डिलीट किया था टेक्स्ट वो वापस से रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा होल्ड करके स्वाइप राइट करेंगे तो जो आपका पॉइंटर है वो आपके टेक्स्ट को पार करके चला जाएगा, और यहाँ पर आप किसी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कैपिटल में टाइप करते हैं तो यहाँ पर किसी भी लेटर को आप स्वाइप अप करेंगे तो वो कैपिटल में टाइप हो जाएगा, और अगर आप नॉर्मली टाइप करते हैं तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे शॉर्टकट से काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पर ऐप में ट्यूटोरियल भी दिया जाता है, पहले आप उसको अच्छे से सीख ले, नहीं समझ में आता तो आप इसको नॉर्मल कीबोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब चाहे आप तब नेक्स्ट जनरेशन लेवल के कीबोर्ड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीकेंड एपिसोड, जहां पर मैंने आपको बताया 5 सुपर पावरफुल एंड्रॉइड एप्लीकेशन। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा यूजफुल और यूनिक ऐप कौन सा लगा, और आप कौन सा ऐप ट्राई करेंगे। कमेंट का इंतजार करूंगा, और सभी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, मजे करिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना, लाइक कमेंट तो कर ही देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लव यू, बाय बाय और टेक केयर।